स्वाति मालीवाल ने बड़ा आरोप लगाया है और ये तक कह दिया है अनामिका यहाँ पर कि सीएम की मौजूदगी में उनके साथ मारपीट की गई है। और जो पहली कॉल आई थी इसमें उन्होंने जिक्र करते हुए कहा था कि मुख्यमंत्री की मौजूदगी में विभव जो कि निजी सचिव है मुख्यमंत्री के, उन्होंने मारपीट की है। हालांकि जब उन्होंने दूसरी बार कॉल किया तो उसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री का नाम हटाकर कहा कि पीए निजी सचिव जो है उनके विभव कुमार, उन्होंने मारपीट की है। लेकिन इसके बाद जब वो थाने पर पहुंचे, उसे लिखित शिकायत दर्ज करवाने की बात कही गई तो उन्होंने कहा कि वो बाद में आकर के शिकायत दर्ज करवाएंगी। हालांकि अब इस तरीके से बैकफुट पर आने के क्या मतलब है, क्या मकसद है, क्या मायने हैं, ये अपने आप में सवाल बना हुआ है। इस बीच जो बड़ी खबर दरअसल ये है कि चूंकि मामला राज्यसभा सांसद से जुड़ा हुआ है तो पुलिस भी इस पूरे मामले में फूक फूक कर कदम रख रही है। पुलिस ये चाहती है कि पहले स्वाति मालीवाल लिखित शिकायत दर्ज करवाए, इसके बाद पुलिस अपनी कार्रवाई को लेकर के आगे बढ़े। इस बीच जिस तरीके से जो पीसीआर कॉल आई है, जो उसके रिकॉर्ड्स आपको लगातार स्क्रीन पे दिखा रहे हैं कि जिस तरीके से कॉलर ने जो बात कही है, वो कॉलर जिस तरीके से लिखा गया है, रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है, वो यहां पे आपको दिखा रहे लगातार। हम सुबह 9 बजे की घटना है जब 9 बजे के आसपास पहली कॉल की गई थी। हालांकि स्वाति मालीवाल जो कि दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं, विवादों से पुराना नाता रहा है इनका, चर्चा में रही है अपनी बातचीत के लिए और अपने अग्रेसिव बिहेवियर की वजह से जानी जाती हैं ये। सीधे रुक करते जतिन का। जतिन, नजरें इस बात को लेकर बनी हुई है लगातार कि आखिर कब लिखित शिकायत दर्ज करवाई जाएगी मालीवाल की ओर से और कब पुलिस की ओर से कार्रवाई आगे बढ़ेगी, क्या नजर आता है आपको, शिकायत दर्ज करवाई जाएगी या फिर नहीं? आज बिल्कुल, देखिए दिल्ली पुलिस अब इसमें वेट एंड वॉच की स्थिति में है। इंतजार है स्वाति मालीवाल का कि उनकी तरफ से जो शिकायत है वो इस पूरे मामले में जो है वो जल्द दी जा सके। लेकिन जिस तरीके से मैं आपको पहले ही बता रहा था कि पैरेलल इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले पर दिल्ली पुलिस द्वारा की जा रही है, एक इन्वेस्टिगेशन टीम कर रही है तो दूसरी टीम कहीं ना कहीं स्वाति मालीवाल के उसी सरकारी नंबर पर लगातार कॉन्टैक्ट कर रही है ताकि जानकारी जुटाई जो है वो साफ तौर पर जा सके। स्वाति मालीवाल से जुड़ी इन्वेस्टिगेशन की कुछ और बातें भी अभी हम आपसे शेयर करेंगे। डीसीपी, अभी अपडेट दे दूं, डीसीपी नॉर्थ दिल्ली समय सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन पहुंच चुके हैं, उनसे हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे। आज पूरा जिस तरीके से घटनाक्रम रहा, पुलिस इन्वेस्टिगेशन किस ओर जा रही है, क्या सुमोटो लेने पर भी दिल्ली पुलिस विचार कर रही है, सीएम हाउस के अंदर पहुंचने के लिए क्या कुछ प्रोटोकॉल पुलिस को फॉलो करना होगा, क्योंकि सीएम हाउस के अंदर अगर इस तरीके से मारपीट की गई है तो सीसीटीवी फुटेज भी होगी। स्वाति मालीवाल जब सुबह थाने पहुंची तो उन्होंने शिकायत क्यों नहीं थी, तमाम ऐसे सवाल होंगे जो हम दिल्ली पुलिस से पूछेंगे। लेकिन अभी सुबह से लेकर दोपहर हो चली है लेकिन स्वाति मालीवाल कहां है इसको लेकर कोई भी जानकारी सामने नहीं आई। हैरानी की बात यह कि आम आदमी पार्टी जो काफी मुखर रहती है हर एक मुद्दे पर अपनी बात रखने के लिए, लेकिन कोई भी बातचीत अभी तक नहीं हो पाई है। और मैं आपको अगर तस्वीर दिखाऊं तो आप देखेंगे कि डीसीपी नॉर्थ दिल्ली यहां पर पहुंच रहे हैं और उनसे हम बात करने की यहां पर कोशिश करेंगे, वो अपना जो वक्तव्य यहां पर देंगे। सर क्या कुछ हुआ सर सुबह, स्वाति मालीवाल आई है सर यहां पर? और आ गया, माइक नीचे करो। हेलो भाई, अरे भाई बोलने तो दो यार, अरे भाई विजय थोड़ा शांत रहो यार, बोलने तो दो उनको। सर पूरी घटना पूरी क्या घटना हुई है सर, क्या घटना हुई है जो स्वाति मालीवाल ने मारपीट आई की पुलिस कॉल भी? एट 9:34 AM अराउंड इन द मॉर्निंग वी रिसीव्ड अ पीसीआर कॉल वेर इन द कॉलर सेड दैट शी हैज बीन असॉल्टेड इनसाइड द सीएम रेजिडेंस। अकॉर्डिंगली लोकल पुलिस रेस्पॉन्डेड टू द कॉल and SHO and the local police reached at the spot. After some time, MP Madam Swati Maliwal ji came to police station civil lines. She left the police station without giving any complaints. In this matter till now, no complaint has been received. Thank you. सर आज सीएम हाउस में क्या कुछ मारपीट की? सुबह 9:34 AM के आसपास एक पीसीआर कॉल आई थी जिसमें लेडी कॉलर ने कहा था कि उनके साथ सीएम हाउस के अंदर मारपिटाई हुई है। इसके बाद लोकल पुलिस ने इस कॉल पर रेस्पॉन्ड किया। कुछ देर बाद एमपी मैडम स्वाति मालीवाल जी पुलिस स्टेशन सिविल लाइन्स आई जहां से वो बिना कंप्लेंट दिए चली गई। इस मामले में अभी तक हमें कोई रिटर्न कंप्लेंट नहीं मिली। किस पर मारपीट का आरोप लगाया? किसके ऊपर है सर?
तो आप डीसीपी नॉर्थ को सुन रहे थे, लगातार खुद राज्यसभा सांसद है, लेकिन सुबह पुलिस स्टेशन आने के बाद कोई भी स्टेटमेंट उनके द्वारा नहीं दिया गया, ना आम आदमी पार्टी की तरफ से दिया गया, ना सीएम ऑफिस की तरफ से कोई स्टेटमेंट दिया गया। और दिल्ली पुलिस को भी इंतजार है कि स्वाति मालीवाल जब यहाँ पर पहुंची थी, पुलिस स्टेशन पहुंची थी, तो उन्होंने मेडिकल कराने से साफ तौर पर इनकार कर दिया और ये बोलकर वो चली गई कि वो वापस लौटेंगी और उसके बाद इस पूरे मामले में जो अपनी रिटर्न कंप्लेंट है वो देंगी। अभी जिस तरीके से आप सुन भी रहे थे डीसीपी नॉर्थ को, वो लगातार बहुत चुन चुन के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके पीछे की वजह यही कि लीगल ओपिनियन पुलिस इस पूरे मामले पर लेती हुई नजर आ रही है। हमने कई बार उनसे पूछने की कोशिश की कि क्या सीसीटीवी कैमरों को आप लोग अंदर एग्जामिन कर रहे हैं, प्रोटोकॉल क्या होगा, लेकिन अभी उनका इनिशियल ये कहा था कि जो सुबह से अभी तक घटनाक्रम रहा है कि उनके पास कॉल पहुंचता है 9:34 पर, और जिस कॉल का वो जिक्र कर रहे थे वो दरअसल जब पुलिस स्टेशन में वो कॉल पीसीआर कॉल ट्रांसफर कर दी जाती है उसका वो जिक्र कर रहे थे। उसके बाद एसएचओ वहां पर पहुंचते हैं, ऑनरेबल एमपी पुलिस स्टेशन पहुंची और उन्होंने इस पूरे मामले पर अपनी बात रखने की कोशिश की। पुलिस ने भी उनसे पूछने की कोशिश की कि क्या कुछ अंदर हुआ, लेकिन वो बिना कुछ कहे यहां से चली जाती है। तो कहीं ना कहीं पुलिस की कोशिश अभी ये है कि स्वाति मालीवाल सामने आए, उनके साथ जो हुआ अपनी आपबीती पुलिस को बताए, रिटर्न कंप्लेंट दे, उसके बाद जो नॉर्मल प्रोसीजर होता है उसको पुलिस फॉलो करवाएगी, स्वाति मालीवाल का एक सरकारी अस्पताल में मेडिकल करवाया जाएगा, साथ ही जो एलिगेशन उन्होंने लगाए कि सीएम के कहने पर विभव कुमार ने उनके साथ मारपीट की। कुमार का नाम लिया था, लेकिन अभी जब बात की है हमारे सहयोगी ने, मालीवाल सिविल लाइन्स थाने पहुंचे हुए हैं डीसीपी नॉर्थ, जिन्होंने कहा है कि अब तक कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है क्योंकि अब तक कोई शिकायत उन्हें मिली नहीं है लिखित तौर पर। क्या कुछ कहा है डीसीपी नॉर्थ मनोज मीना ने, आपको सुनवाते हैं। सुबह 9:34 के आसपास एक पीसीआर कॉल आई थी जिसमें लेडी कॉलर ने कहा था कि उनके साथ सीएम हाउस के अंदर मारपिटाई हुई है। इसके बाद लोकल पुलिस ने इस कॉल पर रेस्पॉन्ड किया। कुछ देर बाद एमपी मैडम स्वाति मालीवाल जी पुलिस स्टेशन सिविल लाइन्स आई, जहां से वो बिना कंप्लेंट दिए चली गई। इस मामले में अभी तक हमें कोई रिटर्न कंप्लेंट नहीं मिली। तो सुन रहे थे आप किस तरीके से पुलिस की ओर से जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो दिया गया है। स्टेटमेंट में ये कहा गया कि बिना शिकायत दर्ज करवाई स्वाति चली गई, लेकिन ये तय है कि जिस तरीके से उनकी ओर से लिखित शिकायत नहीं की गई है, लिखित शिकायत करने का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन वो थाने पहुंची थी। और इसी के साथ एक और बड़ी खबर बिहार से आ रही है, जहां तेज प्रताप यादव ने शख्स से बदसलूकी की है, आरजेडी के एक नेता को मंच से ढकेला है। मीसा भारती के नामांकन रैली में यह हंगामा हुआ है, पाटलिपुत्र से वो चुनावी मैदान में है मीसा भारती, और ऐसे में देखा गया कि तेज प्रताप यादव ने अपने ही एक नेता से बदसलूकी की है, वीडियो भी सामने आया है। देखिए किस तरीके से यहाँ पर तेज प्रताप यादव मौजूद होते हैं और वो धक्का देते हुए नजर आते हैं एक नेता को और वो गिर जाता है। और इसके पहले भी इसी तरीके से एक वीडियो सामने आया था 2023 में कि किस तरीके से तेज प्रताप यादव ने एक नेता को धक्का दिया था और वो गिर गए थे। एक बार फिर से वही बदसलूकी। स्वाति मालीवाल मामले पर बीजेपी का केजरीवाल पर हमला, कहा केजरीवाल की मौजूदगी में महिला के साथ हुआ गलत, मामले पर महिला आयोग ले संज्ञान। आप ही का ओएसडी हाथ उठा रहा है, अगर वे आपकी ही मौजूदगी में सुरक्षित नहीं है तो दिल्ली की महिलाओं की, दिल्ली की बेटियों की, दिल्ली की बहुओं की सुरक्षा आप क्या करेंगे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी। स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में पुलिस जारी में शिकायत की एंट्री, शिकायत में सीएम के कहने पर विभव से पिटवाने का आरोप, शिकायत में लिखा सीएम ने मुझे विभव से पिटवाया। मेडिकल कराने से मालीवाल ने किया इनकार, मालीवाल ने बाद में मेडिकल की बात कही, पुलिस ने मालीवाल से मेडिकल को कहा था। मालीवाल पर दिल्ली पुलिस का बयान आया सामने, कहा स्वाति मालीवाल थाने आई थी, बाद में लिखित शिकायत की बात कही। केजरीवाल के घर के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा, सीएम आवास के बाहर आरएएफ की गई तैनाती। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में बीजेपी उम्मीदवार दिलीप घोष की कार पर हमला, टीएमसी कार्यकर्ताओं पर गाड़ी पर पथराव करने का आरोप। हैदराबाद पुलिस ने माधवी लता की नोकझोंक हुई, पुलिसकर्मियों पर माधवी ने उठाए सवाल, बुर्का हटाकर चेहरा पहचानने की मांग की। हैदराबाद के मलकपेट में माधवी लता के खिलाफ एफआईआर दर्ज, आईपीसी की धारा 171C, 186 और 505C के तहत मामला हुआ दर्ज।
पटना साहिब गुरुद्वारे में पीएम मोदी को किया गया सम्मानित, पीएम को सम्मान पत्र देकर किया गया सम्मानित। वाईएसआर कांग्रेस के विधायक शिव कुमार ने मतदान के बीच वोटर को मारा थप्पड़। मतदान केंद्र पर लाइन में लगने को लेकर के हुई बहस, तेलंगाना में कांग्रेस नेता ने मतदाता को लात भी मारी। उधर बिहार के दरभंगा में मतदाताओं का हंगामा देखने को मिला, वोटर लिस्ट से नाम काटे जाने पर मतदाताओं ने जमकर हंगामा किया। हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सोरेन को चुनाव के लिए अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। 17 मई को होगी मामले की अगली सुनवाई।